मेरे को एक रास्ता दिख रहा है बाहर जाने का, शुड आई परस्यू दिस राइट? तो आज अवेयरनेस होगी तो आप खुद को आसपास वालों को गाइड कर सकोगे। तो एक्चुअली पता है जो जाता है और जो नहीं जाता है बाहर पढ़ने और अपना करियर और लाइफ बनाने, उसमें डिफरेंस पैसे का नहीं होता, उसमें डिफरेंस परसेंटेज का नहीं होता, उसमें डिफरेंस होता है अवेयरनेस का। क्योंकि आज आपका कोई कजन बाहर है और आपकी उससे बहुत, आप उससे क्लोज थे और ऑलमोस्ट लाइक यू वेरी क्लोज फ्रेंड्स, तो उससे क्या स्टेटमेंट होगा? तू यहाँ आ जा सब देख ले, होता ही है इंडिया में, बैंगलोर में रिलेटिव होंगे तो यहाँ आ जा देख ले सब हो जाएगा। सेम थिंग हैपेंस इफ योर एल्डर ब्रदर इज आउटसाइड इंडिया एंड ही इज स्टडीइंग, यू वुड से कम हियर, जस्ट कम हियर, लेट्स एवरीथिंग। एंड आई हैव सीन टन्स ऑफ केसेस लाइक दिस। बट हो सकता है कि हर घर में बड़ा भाई नहीं हो जो बाहर गया है, हर घर में अवेयरनेस नहीं हो, राइट? पेरेंट्स they may not have that idea कि यार ये बच्चे को बाहर कैसे भेजेंगे, right? और problem ये कि 12th हो गया, अब हम bachelor's में आ गए, अब अगर हमने master's में हमारे साथ कुछ गड़बड़ी हो गई, तो फिर जो है आपका बचा हुआ जो 30 साल है या 40 साल है उसकी quality बड़ी average रहेगी, बड़ी ओके ओके रहेगी। तो हमको थोड़ा सा awareness करके इस option को next year लो, आपको इंडिया में ट्राई करना है कुछ बेस्ट, आप करो, जान लगाओ कैट में, होता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अब कॉम्प्रोमाइज मत करना। क्योंकि बाहर भले ही तुम बेस्ट इंस्टीट्यूट में नहीं भी जाओगे तो भी वहां के सिस्टम की वजह से तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, बट यहाँ पे वी हैव टू यू नो सी दी स्ट्रगल्स। क्या है द नेक्स्ट लाइफ सर? आप मुझे बताओ, चलो आज किस चीज में अपने आप को बात करो? एक तो बच्चा होता है जो स्टडी अब्रॉड करता है और इमीडिएटली स्टडी अब्रॉड करके वापस आ जाता है, ऐसे वो बच्चे होते हैं जिनका फैमिली बिजनेस सेट है, they just wanted exposure, गए एक दो साल पढ़े, फट से वापस आ गए और अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया, right? दूसरा है जो कहते हैं कि नहीं, हम पढ़ेंगे और दो या तीन चार साल काम करके फिर आएंगे वापस, क्योंकि जितना लगाया है एटलीस्ट उतना रिकवर कर ली और रिकवर करके वापस आ जाते। और कुछ बच्चों का विजन बड़ा क्लियर होता है कि जाएंगे पढ़ेंगे काम करेंगे और हमारा इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सके उस कंट्री की रेसिडेंसी को अटेन करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, परमानेंट रेसिडेंसी, पीआर कहते हैं उसे। अब इन तीनों में कॉमन चीज क्या है? पढ़ाई, स्टडी, आना है आ जाओ, तीन चार साल बाद आ जाओ, साल बाद आ जाओ या फिर वही रह जाओ, राइट? इन एनी ऑफ दीज ऑप्शंस, यू नो यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दैट, यू नो ये जाने के बाद क्या हो?